साथियों, फोटो क्या दिल्ली का दरबार केवल अडानी की तिजोरियों की रक्षा करने के लिए है? सर, क्या दिल्ली की सल्तनत की नींव इस देश के किसान और खेत मजदूर ने नहीं रखी है? क्या हम जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, ये हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं, या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है? किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब, सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित, इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। सर, बीजेपी तमाम नेता पहले से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अध्यादेश को लेकर, ये कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के किसान है ये? माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। रणदीप जी, 2 दिन हो गए किसानों को, खुला समर्थन था, खुला समर्थन है और रहेगा। और आज मैं एक बड़ा बड़ा वादा करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़ कर फेंक दे।